देखिए भारत जैसा विविधताओं से भरा देश भावनात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़ने से ही बनता है और यही हमारी बुनियाद रही है, हमारी साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास। इसको जब हम सम्मान देते हैं तो हम मजबूत होते हैं और यही हमारे फाउंडेशंस भी हैं। जब आप अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करते हैं तो आप उस फाउंडेशन को कमजोर करते हैं, आप हमारी साझी विरासत पे हमला करते हैं, तो एक तरह से देश को तोड़ने का ये कृत्य है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू महासभा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात करे या जो भी मुस्लिम नाम है उसको बदलने का अभियान चला। तो ऐसा करके तो अंग्रेजों के एजेंडे को ही फुलफिल कर रहे हैं योगी जी। दूसरी बात कि योगी जी को रामपुर और सीतापुर के मुस्लिम नवाबों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि शासन कैसे किया जाता है। इन दोनों शहरों के नवाब मुसलमान थे और दोनों शहरों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखे गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनको बदलने, छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। आजादी के बाद एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का यहाँ इस गारंटी के साथ रुका था कि उनके पहचान, उनकी जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उनको अक्षुण रखा जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो जितने देशभक्त मुसलमान यहाँ रुके थे उनको एक तरह से अपमानित करने का भी काम आप करते हैं, जो योगी सरकार कर रही है। होना तो ये चाहिए कि जितने भी सेकुलर दल हैं जिनका साझी विरासत में, इतिहास में यकीन है, वो खुल करके विरोध करें कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करके आप देश के फाउंडेशन पे हमला नहीं कर सकते। जनता किसी सरकार को इसलिए नहीं चुनती है कि वो देश को ही कमजोर करे।